लगता है तो दिखा देता हूँ, ये देखिए। देख लिया ना, वो दारू का दुकान खुला रहता है 24 घंटे। काल भैरव मंदिर वहाँ, सो अभी जस्ट आ गया हूँ यहाँ पे काल भैरव मंदिर। यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि वहाँ से निकले भस्म आरती देख के, महाकाल के मंदिर से वहाँ से दर्शन करके निकले थे, और दर्शन करके निकलने के बाद अभी आए हैं यहाँ पे काल भैरव मंदिर पूजा करने। ये देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए जा रहे हैं अंदर मंदिर में। अंदर ही मंदिर में जा रहा हूँ सबको, ये देखिए ये सब कोई ये बांधा हुआ है धागा मन्नत मांगने के बाद अपना कोई कोई बांध देता है, यही सब देख रहे हैं ना, सब बंधा हुआ है। बहुत घुमावन रास्ता है, बहुत घूम घूम कर रास्ता है यहाँ पे काल भैरव मंदिर में जाने में भी, बहुत ही अंदर में है वो भी मंदिर। बताऊँ आपको अच्छे से, दारू का दुकान ऐसे दिखता है तो दिखा देता, ये देखिए। देख लिया ना, वो दारू का दुकान खुला रहता है 24। ये देखिए काल भैरव मंदिर, वहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करने के बाद वहाँ पे भस्म आरती और जलाभिषेक करने के बाद, दर्शन करने के बाद ये कंपलसरी है कि आपको यहाँ काल भैरव मंदिर में पूजा करना ही करना है, नहीं करिएगा तो फिर वो आपका परिक्रमा शुद्ध नहीं होगा। तो ये देखिए काल भैरव मंदिर में आ गया पूजा करने के लिए, और आप जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए चल गए मंदिर के अंदर, अब यहाँ पे अलाउ नहीं है इसलिए मैं फोन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। क्या ये है मंदिर का, काल भैरव का मंदिर, और यहाँ से देखिए ये मंदिर के अंदर का सीन है, और वो जो देख रहे हैं आप वो वहीं पे सब दीपक जलता है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से। इसमें सब जो देख रहे हैं ये सब बना हुआ है, इसमें सब दीपक जलता है काल भैरव के लिए, और ये मंदिर परिसर के अंदर का सब सीन है। ये देखिए